पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आज काशी में होने जा रहा है। इस संपूर्ण आयोजन के आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, हम सभी के मार्गदर्शक, अभिभावक, प्रेरणा स्रोत परमादरणीय सुनील ओझा जी भाई साहब, दिव्यांग खिलाड़ी के रूप में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले, इट इज अ कॉल एंड देयर इज अ टेल, कोई बॉल फर्स्ट, हिल बॉल फर्स्ट, एक बैट का है, कोई बैट है, बैट बैट बैट, कोई बैट है, एक बैट दीजिए, एक बैट अखिल खुशबू ने लिया कि नहीं, हो गया मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन। सर, आज का मैच में टास्क कौन जीता है और कब से मैच होगा? भारत का पहला दिव्यांगों का अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच का टॉस आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं दुर्गा मलिक जी और सुनील भाई ओझा जी के समक्ष जो हुआ, उसमें बांग्लादेश की टीम जो है फील्डिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया है टॉस जीतकर, और बैटिंग के लिए इंडियन टीम को आमंत्रित किया है। जो मैच के ओवर है उसमें परिवर्तन किया, परिवर्तन इसलिए किया गया कि आउटफील्ड थोड़ी गीली थी और हमारे खिलाड़ी चूंकि दिव्यांग है तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ओवरों को कम करके 30-30 ओवर का कर दिया है अभी। लेकिन फिलहाल की मौसमी कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि अब इसमें कटौती नहीं की जाएगी, 30 ओवरों का अंतर्राष्ट्रीय मानक पर ये पूरा खेल खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है, कितना आयोजकों में उत्साह है, प्लेयरों में कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम लोग तो बल्कि ये चाह रहे हैं कि बनारस से जितने लोगों को हम मैसेज पहुँच सके सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ, और आयोजक तो पूरे उत्साहित ही हैं। यहाँ पे BHU से भी काफ़ी स्टूडेंट्स का सपोर्ट है, सभी लोग ग्राउंड पे हैं, आप मीडियाकर्मी सभी लोगों का सहयोग है। भारत का पहला मैच और वो भी काशी की धरती पर खेला जा रहा है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर समर्पित है, ऐसे में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत ज़्यादा रोमांच है। देखिए, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है नीतियों में, मैं तो नीति बनने के कार्यक्रम में जुड़ी भी हूँ और आज की डेट में मैं यूपी सरकार की भी एक एडवाइजरी बोर्ड में हूँ जो दिव्यांग लोगों के लिए नीतियाँ सशक्त कर रही है, और ये मेरे ख्याल से इन संयुक्त नीतियों का ही नतीजा है कि आज मैं एक पद्मश्री खेल रत्न के रूप में 52 साल की उम्र में यहाँ पर एक खिलाड़ी के रूप में पहचानी जा रही हूँ। तो महिलाओं का सशक्तिकरण, बेटी खिलाओ बेटी पढ़ाओ, दिव्यांग लोगों को बराबर की नीतियों में इंक्लूड करना और हर खेल को दिव्यांग के, केवल ये नहीं कि पैरालंपिक ओलंपिक, आज क्रिकेट के क्षेत्र में भी जय शाह जी नेतृत्व कर रहे हैं BCCI के थ्रू दिव्यांग क्रिकेट का भी, और नए नए फॉर्मेट उभर कर आ रहे हैं जहाँ पे हम खिलाड़ियों को नए नए अवसर दें खेलने के और अपनी प्रतिभा को आगे लाने के। अवसर की बात तो आपने कही, ठीक है, मेरा सवाल ये था कि सरकारी नौकरियों में भी जैसे आम खिलाड़ियों को तरजीह दी जाती है, अगर इन दिव्यांग खिलाड़ियों को भी उनसे जोड़ा जाए तो क्या इनके खेल में और निखार नहीं आएगा? आप देख रहे हैं कि आज जो भी नीतियां हैं, मुझे आप ये बताइए कि आप नीतियों से अवगत हैं, क्योंकि जो सरकारी नीतियां हैं वो कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हैं, एक पैरा खिलाड़ी और एक दिव्यांग खिलाड़ी और जो एबल बॉडी खिलाड़ी है, चाहे ओलंपिक कहें, चाहे पैरालंपिक कहें, डेफालंपिक कहें या हम स्पेशल ओलंपिक कहें, सबके लिए एक पेंशन स्कीम, खेलने की स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जॉब अपॉर्चुनिटी स्कीम, अवार्ड स्कीम, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे उनमें कोई डिफरेंस रखा जा रहा है। वर्तमान सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए कितना काम कर रही है, अगर इसकी बात? वर्तमान सरकार दिव्यांग उनका हाल ही में बिल को अमेंड करना, पहले केवल मात्र 7
दिव्यांग कैटेगरीज को पॉलिसीज के तहत लिया जाता था, आजकल 21 पॉलिसीज के तहत उनको लिया जा रहा है। और खेलों में तो आप देख ही रहे हैं, पैरालंपिक टोक्यो को अगर आप देखें तो इतिहास रचा गया है, 19 मेडल लेकर आए। हाल ही में हम वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स से, मैं लौटी हूँ टीम के साथ मोरक्को से वर्ल्ड ग्रांड प्री के साथ, 25 खिलाड़ी गए थे, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज और 2 चौथे स्थान पर आए हैं वर्ल्ड ग्रांड प्री में। तो लगातार मेडल की झड़ी लग रही है, जिसका मतलब यही है जब एक मेडल जीता जाता है तो उसकी तैयारी उसमें दर्शाई जाती है, इसका मतलब तैयारियों के लिए। और एक अपील मैं जरूर कहूंगी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये गौरव का विषय है कि जिन्होंने दिव्यांग नाम दिया वो जहाँ सांसद है, ऐसे क्षेत्र में आज BHU के प्रांगण में मामला के ये इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट, इसका आनंद भी है और मोदी जी के हौसलों के वजह से देश में पैरालंपिक्स अभी 2-4 सालों में पूरे विश्व में सबसे आगे हैं, मेडल्स में भी भारत आगे हैं, अभी और आगे बढ़े। और ये चलते हुए 3% आबादी जिनकी है, ऐसे दिव्यांग लोगों के जीवन, उनके परिवारों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली बने, ये दिशा में जा रहे हैं। जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है, आगे क्या और भी इस तरह के मैच आयोजन करने की कोई जरूर, ये कई विषयों में ही होगा। भारत का टॉस हो रहा है, किस तरह का यहाँ पहला हुआ और क्या आज जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये मैच है और उसी के समापन के अवसर पर मुझे आमंत्रण दिया था, मैं आया हूँ। सर ये अंतर्राष्ट्रीय मैच पहली बार काशी में हुई है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के जन्म पर जो सेवा सब पखवाड़ा मना रहे हैं उस अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित है। सर क्या उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगों के लिए कुछ विशेष स्टेडियम या कुछ? निश्चित रूप से हर खेल को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के सुविधा के लिए हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं व्यवस्था। क्या इसके लिए कुछ योजनाएं भी बनाई जा रही हैं? निश्चित रूप से। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।